अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहना ऐसे सपने मत देखो माई, जो कभी पूरे नहीं हो सकते। ना हम कभी पकड़वा शादी करेंगे और ना ही दहेज देने की हमारी हैसियत है। फिर काहे भगवान के पीछे लगी हो हमारे दूल्हे खातिर? और भगवान जी, आप हमारी माई की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो और उन्हें समझाओ कि हम उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बिटिया, माई तू चिंता मत कर, कल जो सहरी बाबू बाबा का खेत देखने आ रहा है ना, हम उल्टे पैर भगा देंगे और हमारे बाबा का खेत हम किसी को नहीं लेने देंगे। और ये सब कैसे करोगी, कुछ सोची हो? मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। लोग कर ले चाहे कितने भी चतुराई, होए वही जो चाहे रघुराई। कहते हैं भगवान को चमेली का फूल चढ़ा दो तो जोड़ी बन जाता है, जो हमारी भगवान से इच्छा है वो हमारे कहना का जोड़ी बना दे। कलसार से एक सहरी बाबू बुलाए हैं, उनको तुम्हारा खेत दिखाएंगे और अगर रोने पोने दाम पे भी बेचना पड़े ना तो संकोच नहीं करेंगे। उस सहरी बाबू को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमारा खेत खरीदना तो दूर, गांव में कभी वापस लौट कर ही नहीं आएंगे। क्या जगह है ये खपुरिया, ना जीपीएस काम कर रहा है, सड़क पे इतने गड्ढे हैं। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। I'm really sorry। आप ठीक तो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं आके देखता हूँ ना। I'm so sorry। चली गई। मैडम, मैम, हे भगवान, ये किसकी गाड़ी ठोक दिया हम, अब कहाँ करें? जल्दी से यहाँ से बच के निकलते हैं। मैडम, चलो अच्छा है चोट तो नहीं लगी। ये गाड़ी हमें, मतलब ये वही सहरी बाबू तो नहीं जो हमारा खेत खरीदने आया है? ये खेत के पास भी नहीं पहुंचने देंगे हम सहरी बाबू को। ये साइकिल पता नहीं क्या हो रहा है। Thank you.
से बीच सड़क पे साइकिल लगाकर कौन चला गया? हेलो, अरे खोलो इसे, मेरी गाड़ी में क्यों घुसी हो तुम? बाहर आओ। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी गाड़ी में क्यों घुसी हो तुम? अरे क्या कर रहे हो, मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी पूरी। अरे ए रुक, अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, इसको खोलो। अरे लॉक खोलो ना। अरे क्या, अरे रुको, गाड़ी की चाबी। अरे लड़की, अरे मेरी गाड़ी की चाबी लेके कहाँ जा रही हो? अरे रुको, सुनो, गाड़ी की चाबी। हम हमरा कछु नहीं ले जाने देंगे आपको यहाँ से। वापस चले जाइए सहरी बाबू, चले जाइए यहाँ से। वाह, क्या वेलकम हुआ है तेरा गांव में आयुष्मान। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माय माय, अरे कहाँ हुआ गाना? आज फिर कहीं से युद्ध लड़के आ रही हो का? हाँ माई, युद्ध लड़कर आ रहे, हमरे खेत जीतने का युद्ध। और ई रही उसकी निशानी, वो दुश्मन सहरी बाबू जो हमरा खेत लेने आया था, उसकी गाड़ी की चाबी निकाली हम। अरे ई का के तुम जो किए सही किए माई, अब बिना गाड़ी के वो हमरे खेत की तरफ आ ही नहीं पाएगा। तुझे पता है माई, एक मिनट के लिए हमरे प्राण हाथ में आ गए थे, पर हम भी किसान की बेटी है, हल चलाना भी आता है और हल निकालना भी। ऐसे जोर से खींच लिया वो कार की चाबी, अब उस सहरी बाबू को वापस जाना ही पड़ेगा। और वो वापस जाएगा कैसे? बैलगाड़ी में बैठकर। उसकी गाड़ी की चाबी तो तुम ले आई हो, इस वजह से कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। हमको तो बहुत डर लग रहा है ना कि कहीं। डर तो हमें भी लग रहा है माई, पर कोई बात नहीं, ये खेत हमारी दूसरी माई है और इका हम कैसे छीनने देंगे। और माई दिमाग पर लोड लेना, हमारा काम है तुम्हारा नहीं, तुम्हारा काम है खाना खाना। हम जानते हैं तुम सुबह से कछु नहीं खाई हो, चलो चलो। माई माई क्या हुआ? ई लो पानी, पानी पियो माई। क्या हुआ गाना? माई तुझे सूखी रोटी खाने से खांसी आती है ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माई तुझे क्या लगता है, हम नहीं जानते, तू इसीलिए दाल नहीं बनाती ना, ताकि हमारी अस्थमा की गोलियां आ सके। अरे इस सूखा कहाँ है, इसमें मक्खन लगा है ना तुम्हारे प्यार का, वो भी बहुत सारा। और अगर घी का छौका लगी हुई दाल भी साथ में हो तो का हर्ज है? आज हम तुझे दाल खिला कर रहेंगे और वो भी मोटी रोटी के साथ। अच्छा तो तुम्हारा लॉटरी निकलने वाला है कहीं से? वो तू मुझ पे छोड़ दे। ये सारे बाबू हमरे खेत तक कैसे पहुंच गए? इनको हम अपना खेत लेने नहीं देंगे। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।